स्टाइल में जाके मार के आने का। ओ वो तो आर पार दिख रहा, क्या पावर है। तो गाइस वापस आ गए अपन लोग चाइना की पबजी में। महीने में एक बार अपन लोग आई जाते हैं इधर अपनी आंखें जलाने, क्योंकि अपनी महान BGMI के अंदर हीलिंग तक नहीं हो रही है। पता नहीं भाई साला इसका क्या डील है, दिन पे दिन नए नए ग्लिचेस देखने को मिलते हैं। ये देखो नहीं हुई, हीलिंग ही नहीं हुई भाई, नंगी हालत में मार के आया मैं। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो रीस्टार्ट मार के आता हूँ मैं, और जब तक मैं आया तब तक आने तो दो, पहले फिर बोलूंगा मर गया मैं। उसके थोड़ी देर पहले जो मैंने इतनी मेहनत से गना लूटी उसको चलाने तक नहीं मिली मेरे यार। तो यहाँ पर हमें एक न्यू पावर देखने को मिली। वैसे सेंसिटिविटी के अंदर जब मैं था तो मेरे को पता लगा 600 तक जा सकती है वो भाई, मतलब फॉर्मूला 10 की रेसिंग नहीं करनी था कि इतना मोबाइल भिजाना पड़ेगा। पावर्स पे आते तो ये है, ओ भाई क्या स्पीड है, ओह इतना भी घुस क्या बोला हूँ मैं। लेकिन फिर पता लगा ये पावर के साथ हम लोग, पहले तो ये जंप देखो तुम, अब अभी सिग्नल जैसा कुछ आया था तुम्हें पता नहीं। देखो मैं तुम्हें देखने को क्यों बोल रहा, तुम लोग देख रहे लो ये मुझे पता है। तो ये देखो वापिस बोल दिया देखो। हाँ तो सिग्नल में बताते हैं कि एनिमीज कहाँ पे है। गोल भिन की आत्मा घुस गई लिया अपने अंदर, ये तो अंधे को भी दिख जाए। और एनिमी सामने आ मारो चलो। उसके बाद एक और बंदा यही पावर लेके आया और ये बन गया अपनी शील्ड, उसको मारेंगे बाद में क्योंकि सेंसिटिविटी ज्यादा नहीं हो। मैंने सारा शॉट हट दिया है और अपनी डॉल्फिन की आहटों, अबे आहट क्या, वो डॉल्फिन का छठा सेंस सिक्स्थ सेंस रिलोडा क्या, भागो भागो। वो साला शॉटगन लेके पीछे पड़ गया, फिर टाइम था उस वाले बंदे को स्टाइल में जाके मार के आने का। ओ वो तो आर पार दिख रहा, क्या पावर है। फिर कुछ एनिमीज हमें यहाँ की तरफ देखने को मिल गए जिनको जिसने मारा। ये जो भी है सर्फिंग मुझे चलाने में बहुत मजा आया, इतना स्मूथ था, मैं फुल कॉन्फिडेंस था कि एनिमी की एक एक गोली अपन डॉच कर लेंगे। ये देखो उस वाली गेम में भी ऐसी एबिलिटीज होती है। चलो आओ थोड़ा बाहर से निहार के आते इसको। ओ भाई काफी बड़ा है, मतलब कुछ दिख नहीं देना है। हाँ, मतलब मेरे को पता दिखना भी नहीं चाहिए, बट वो क्या पहली बार देख लिया पबजी में तो अंदर की तरफ कोदा ही कोदा है। बाकी चलो निकलते, ऐसे इसको चलाने में बहुत मजा आया, इसकी तो एक रेसिंग गेम ही रख सकती है ये लोग। मुझे नहीं लगता भाई कोई अपने को ट्रेस करके महल भी पाएगा इतनी स्पीड में। और अब गाइस क्या तुम लोग रेडी हो घमासान रेसिंग के लिए, तो तुम देख के पता लगा सकते हो यहाँ पर अभी क्या होने वाला है। चलो भाई बहुत मजा आने वाला है, हम एक दूसरे को मार सकते हैं क्या। अबे भागा भागा ड्राइवर, आधे लोग तो इधर ही मुंह मुंह पे आ गए और अपन लोग फर्स्ट पे निकल गए, लेट्स गो। मुझे लगा हम आग लगा दिला पीछे वाला, उसको 1 HP अपने ने कर दिया। अबे ये दूसरा बंदा है पता नहीं कहां से घुस के चला दिला। फिर हम लोग कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए, मारने के लिए स्कोप खोल, आहा क्या भैया स्कोप है। अब यहाँ पे सीट चेंज करने का भी ऑप्शन था तो मैंने किया और हम लोग हेलीकॉप्टर में आ गए। ये चलो भाई फोड़ते हैं इंसान घंटी वालों को, तो ये अपनी गन है। तो पहला तो उसका कैमरा एंगल ही सही नहीं हो रहा था, उसके बाद एक बंदा साला मर मुदा ही गाड़ी में आ गया, छोड़ा पंडित निकाल रहा अपने हेलीकॉप्टर को मार दिला है, सारी अकड़ उठा दी अपने। फिर अपन वापस गाड़ी में आ गए, चलो चलो रुकना नहीं, मारो मारो। मैंने सीट वापस से चेंज कर दिया, अपन लोग हेलीकॉप्टर में आ गए। इस बार तो भाई धमाके वमाके कर डाला अपने ने, बस एक मिसाइल मारनी थी, अपन वापस से गाड़ी में आ गए। तो ये पावर अप की तरह हमें मिलती है, उसके बाद मेरे को पता लगता है कि अपने को भाई रोड पर रह के इज्जत से रेस करनी थी। हेलीकॉप्टर की नाटक के चक्कर में अपन लोग रेस हार गए, लेकिन फिर अपन लोग आ गए खाना पकाने पे, भाप का ढाबा। ओह बर्गर, वो बर्गर लेने के लिए अपने को जाना पड़ेगा। इसकी माँ का लावे के बीच में क्यों खड़ा करना था इनको रेस्टोरेंट, कूद मुद के जाके बर्गर लेके आओ। चलो तो मैं ये डिश उठा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये कोई दूसरे के डिश है, अपनी जो डिश थी वो अपने ने उठाई और लावे में जाके फेंका दी। फिर हमें थोड़े सेकंड का कूल डाउन मिलता, आगे वाला टीममेट वाह 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 दे। उसके बाद अपन आगे जाके एक बंदे की प्लेट फोड़ डालते, हमें इतनी देर से खड़ा लेकिन ये साले अपने को कुछ पका के दे नहीं डाले। उसके बाद मेरे को पता लगा अपने को जाके होटल लेके आने होते जो कस्टमर बैठे उनके, और फिर मेरे को थोड़ा पता लगता है कि साला ये तो एनिमी का ढाबा है, वहाँ के अपन काम कर ले जबकि अपना पूरा अलग है। वैसे ये एनिमी का ढाबा है ना, अपन इनको घिराते रुको। ये देखो दो दो प्लेटें साथ में ले जा रहा है और अपने ढाबे पे लोग भूखे मर रहे हैं। उसके बाद बढ़ते नेक्स्ट वाले मोड पे जिसमें सिर्फ शॉटगन चल सकती है और क्या मारा, तो शॉटगन की प्रैक्टिस काफी सही हो सकती है इधर। वैसे जब मैंने S12 के लिए अंधारस मारा तुम देख सकते हो अपने किल, मैंने सारे 25 किल स्किप कर दिया, तुम्हें नहीं दिखाए। तो इनके बेस के अंदर हमें एक इसे क्या अंडा वंडा बोलेंगे जो भी बोलते ये मिला जिसको हमें फोड़ना होता है। तो अपने टीममेट भी आगे जा नहीं रहे थे, ये लोग भी आ नहीं रहे थे, तो मैंने अंधारस कर दिया और तुम देख सकते हो ऊपर परसेंटेज कम हो रहे इसके, हमारे 100 था इसलिए हम लोग जीत गए। नेक्स्ट वाले मोड के अंदर तो भाई GTA 5 की पूरी रेस है। तो चलो गाइस रेस स्टार्ट हो चुकी है, अपन पहला नंबर पे फुल स्पीड से पर आगे कुछ है ही नहीं, अरे है तो मुझे लगा चेक पॉइंट भी लगा।
सालों ने भाई गाड़ी चेंज करा ली, अभी ये क्या खटारा स्कूटर के साथ कोई रेस करेगा। दिक्कत यहीं पे खत्म नहीं हुई, ये था ही नहीं। मुझे बिल्कुल डाउट नहीं गया तीन रास्ते क्यों दे रखे, तो इनमें से दो नकली एक असली है। दो नंबर को देखो, असली पे जाके भी गिर गया। तो अब आते दूसरे पे। हाँ आ जाओ 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 आगे जाओ। तो इसने बहुत ही सावधानी के साथ चलो दूसरे पे। दूसरा रास्ता भी अपने को मिल गया। मैंने जाकर टक्कर मारी लेकिन उन लोगों ने ब्रेक मार के रखा ना, मतलब ये दोनों बंदे ये मोड़ के एक्सपर्ट लग रहे। मुझे लगा गाड़ियां चेंज होती है ये पॉइंट पे, तो कोई मस्त हवा में उड़ने वाली चीज दे देंगे। खटारा स्कूटर लेके फुल स्पीड में मैं चढ़ गया इसके ऊपर। अच्छी बात ये आपने एक ही बारी में क्रॉस कर दिया। हाँ दो तीन बार मरता मरता बचा लेकिन, और ये तो सबसे ईजी चीज है। आगे भी सेम वही था कांच के साथ। उसके बाद हाँ साला कोई रास्ता ही नहीं है ऐसा मेरे को लगा, लेकिन फिर दिख गया, ये भी इजीली निपट गया। उसके बाद ये वाला जो था, मुझे लगा हमें फुल स्पीड में जाना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। सेम वही चीज ये सालों ने इधर भी करके रखे ली और मैंने हक दिया। उसके बाद वापिस आके तीन नंबर को फेंक दिया। ये तो आंखों का धोखा था, लेकिन इसके बाद भाई पूरा सांप बना के रखा है। बैलेंस के साथ अपने ये वाले को भी पूरा कर दिया। अब आगे जाने से पहले मैंने सोचा ये जो आने की यहाँ पे जगह बहुत ही छोटी है, और अब अपने को बाइक मिल चुकी है। अब जो खटारी स्कूटी लेके बंदे अगले उनको कौन छोड़े। इधर तो अपन खुद ही गए। ये दोनों को साथ में आता देख के मेरे मुंह में पानी आ गया, और अपने जाके टक्कर मारी एक गया। अब उसको पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये पाइपों में आते, इतनी गाड़ी अटक रही थी अपनी इधर, और स्टार्टिंग में एक बार मैंने पूरा कर बच गया, लेकिन उसके बाद अपनी गाड़ी अटक गई। अब मैं क्या करूँ इधर, फिर अपन सीधे सीधे गए, एक इजीली हो गया और यहाँ पे अटक गए। तो काफी बार घिरने मरने के बाद ये पूरा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वाला चेक पॉइंट था मौत का कुआं। अब ये दिखने में इतना इजी था, पता नहीं है भाई ये टीममेट लोग अभी तक इधर ही क्यों अटके पड़े। इन सालों को एक ही बारी में करके दिखा देता हूँ मैं। साला इधर भी गैप था, ये नहीं पता था मेरे को। अब तो इजीली हो जाएगा ये, बस थोड़ा बहुत भाई बैलेंस रख के आगे जाते ऐसे जाते रहना, कुछ नहीं है। मैं जाके दीवारों में किसी पकड़ लाऊं, एक सेकंड भाई अपना टायर फंस गया। ओ भाई कोई पकड़ के निकालो यहाँ से, तो एग्जिट करने का भी ऑप्शन नहीं है। मुझे चाइनीज भाषा में हेल्प मांगता हूँ। ओ एक नंबर आया, ये मेरे को धक्का मारेगा पक्का, मार के जा। बेशरम इंसान है, सारे बटन दबा दिए मैंने तो हो गया कुछ ना कुछ। फिर मैं मस्त ब्रेक मार मार के आगे बढ़ा। फिर मुझे टॉप में का पता लगता है कि ये लोग इतनी देर से यहाँ पे क्यों रुके पड़े थे। दो नंबर, उसकी पोजीशन देख के पता लग गया वो अपने को धक्का मारने आने वाला है। बट बेचारे को ये नहीं पता था कि जिस स्कूल से उसने धक्का मारना सीखा है मैं वो स्कूल का कुछ नहीं था। धक्का मारने के कौन से स्कूल होते हैं सालो। बट मैं फुल स्पीड में गया और इसका चकमा दे दिया। यहाँ पे नहीं अटकना, बच गए। पता नहीं ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। जब मैं बढ़ने गया तब इनकी हरकतें देख के पता लग गया। फिर अपने को एक नंबर से बदला लेने का मौका मिल गया। जब हम लोग फंसे हुए थे तब ये बिना मदद किए मुंह फेर के चला गई। इतना घमासान युद्ध हुआ, गाड़ियां ही फंस गई और घी में हड्डी डालने। वैसे ये कौन सी कहावत है, जो भी होता मेरे को देख के दो तीन नंबर भी कूद पड़े और हमने एक नंबर को गिरा दिया। चलो अच्छा मैं जैसे आगे बढ़ रहा था दूसरी साइड पे कांच डाल रखे रहा है। बट मैं इनको चकमा देकर फुल स्पीड से यहाँ से निकल गया। मैं कैसे घिर सकता हूँ। उसके बाद दो नंबर मेरे को फेंकने जा रहा था और उसके बाद वो मेरी गाड़ी में बैठ गया। अब जब उसकी गाड़ी रिस्पोन हो गई तो वो वहां पे चला गया और वापिस इधर इधर उधर। दिमाग का दही बन चुका था जब मैंने सामने देखा पूरा का पूरा रास्ता बन गया। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था दो भूटी जगह में मैं कहां से यू टर्न मारूंगा और उधर जाऊंगा। बट धीमे धीमे करके अपने ने जो तो जुगाड़ लगा दिया और ये भाई दो नंबर की आत्मा क्यों चिपकी है मेरे पीछे। और ये अकेले में हो सकता भाई, एक भी बंदा धक्कम धुक्की करके परेशान करने वाला तो ये हो ही नहीं सकता है। मेरे मन में लड्डू फूटे थे कि भाई आके इनको इतना परेशान करूंगा, सालों को जाने नहीं दूंगा चेक पॉइंट लेके। बट इधर वापिस आने का रास्ते ही नहीं रखे लोगों ने, बुरी बात यार। ओ भाई क्या रोड, पूरा HD एक मस्त जंप। और अब मुझे लग गया था हम फाइनल चेक पॉइंट पे बढ़। क्या बेकार जंप मारी है भाई। नेक्स्ट वाली जंप भाई इतनी सटीक थी लेकिन वो जाके नीचे आ गए बहुत बढ़िया। एंड फाइनली एक आखिरी जंप मार के हमने करा ये रेस को खत्म, मजा काफी आया। बट नेक्स्ट मोड पे आसपास का जब मैंने मैप देखा बहुत बढ़िया लगा, बट ये वो जगह नहीं जहाँ पे हमें कुछ करना है। आसपास मटके दे रखे तो हम उसको बैठ गए। टीममेट को अपने ने फॉलो करा और ये नीचे को, अबे बंदे वो भी घनों और मिसाइलों के साथ, एक को तो ठोक के अपन तो अभी इधर आ गए हम। ओह यहाँ पे भाई 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 सब लूट ढाला और एनिमी सीधा आ गया। पता नहीं भाई चैन से लूटने का चैन नहीं है। अब इसको मार क्यों नहीं पाया मैं, ये पैन में तेल डाल के मेरे को डूब जाना चाहिए। तो अब एनिमी टीम नीचे की साइड है, नीचे से ऊपर आने का रास्ता कुछ ऐसा है। बंदा यहीं पे बैठ के ऊपर से सारे बंदे मार सकता है। लास्ट बंदा सामने बचा एनिमी का, हमारी बैगी उठा के आ रहा वो साला, पूरा रास्ते में आके चलाते हुए साला पकौड़े तल ले लाए और पता नहीं वो कहाँ भाग गया। अब वो फिसल के नीचे गिर गया, आपने उसको मार दिया। और अभी सड़े अपन लोग आ चुके हैं, अभी तो अपनी सेंसिव वगैरह सेट नहीं है। बाकी पीछे भाई के अंदर तो अपन इजीली घिरा सकते हैं और इसको तो शॉटगन का फटका चिपका है अपने ने। इसके बाद एक और बंदा आया और अब ये सीधे ऊपर ही जा रहा था, मैंने सोचा चलो भाई इनका पीछा करते हैं।
आराम से लूट रहे थे एक बंदे का, वो बंदा बगी में बैठा है। तो मैं जब उसको मारने गया तब भाई एक और बंदा इधर से निकला। अबे साथ में आ जाओ क्या, एक एक करके निकल ले। ओ बहुत बढ़िया, इतना कुछ खास नहीं था ये मोड। और ढाबे वाला मोड भी अधूरा रह गया, उसके तीन तीन लेवल दे रखे। वैसे एक के अंदर तो अपने मस्त थक दिया, सबके ऑर्डर साथ में ले लिए ले और सबके टाइमर पूरे हो गए, वो निकल गए। और अबे नन वाला तो बढ़ते लेवल 2 पे। इधर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करना था, बट वो सिंपल था। ऊपर देखो कड़ाइयां दे रखी है, उसके अंदर क्या क्या डालना वो भी बता रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग नाचने में से ऊंचे नहीं आ रहे थे। तो तब हो गई भाई जब मैंने पूरा का पूरा दूध ही फेंक के डाल दिया। वैसे वो फूट गया बाद में, उस समय तो आने वाला था। फिर मैंने सोचा कि चलो जो कचरा डाल दिया उसको निकाल लेते, क्योंकि ये घमसान से तो कुछ पकने नहीं वाला है। और फिर मैं देखने गया कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे ले। गेम भाई बम फेंक के मार देला, खुद का काम कर ले। तो बहुत सारी चीजें डाल के हमने कुछ चीजें निकाली और फिर ओ भाई कुत्ता कुछ पकना चालू हो गया। वो अलग बात है, ऊपर जो चीजें थी उसमें से एक भी चीज नहीं पकड़ ली है, बट कुछ ना कुछ तो पका दिया हमने। लेट्स गो। पहले राउंड पे अपन लोग बैठे थे, दूसरे पे अपन सेफ बने, और अब दोनों काम में साथ में गन्ने। तो मैं जाके ऑर्डर लेके आता हूँ। बहुत कोशिश करी हमने बनाने की लेकिन कुछ बना नहीं। पहले कस्टमर के ऑर्डर के जो घमसान हमने इन कढ़ाइयों में डाले, अबे इसको क्या चूल मचने लिए, साले जाना अपने ढाबे पे, साला उधर से इधर तक भम मानने आया। वैसे गाइस नया कस्टमर इसको सोडा चाहिए, जो सोडा बनेगी सिर्फ दो पालक पुलक सब्जियों से, तो चलो बनाते। एक वो लेगा, एक मैं ले भाई ये देखो कचरा बचरा। जितने टाइम में गाइस हमने इसको निकाला है ना, उतने टाइम में वो कस्टमर का टाइम भी पूरा हो गया और चला गया उड़ के। एक और नया कस्टमर आया, उनका तो भाई कुछ पक ही नहीं पाया, एक कस्टमर का पेट नहीं भर पाया गाइस अपन। और वैसे देखा जाए मैप बहुत बढ़िया था, ये वाला मोड मुझे लगा सबसे इजी। करना क्या है, टाइल्स बनते जाएंगे उन पर चढ़ते जाना है, बट फिर पता लगा है जितने भी टाइल्स कलर वाले, थोड़े सेकंड में इनमें से एक ही कलर बचेगा और हमें उस पर खड़ा रहना वरना अपन नीचे गिरेंगे। ये चीज मेरे को पहले नहीं दिखी थी और बस चुका निकल गया, बाद में नाटक क्यों कर रहा हूं। तो बस एक कलर ढूंढना, देखो जैसे ग्रे ब्लैक है तो टीमेटो को देखूंगा मैं भाई, क्यों ढूंढने चला हूं। चलो अभी ग्रीन है, अपन थोड़ा आगे जा। अबे चल वो बच गया मैं जंप करके, बच्चों वाली गेम है लेकिन मेरे को फन लगी क्योंकि हमें एनिमी से आगे निकलना है। तो अब ये यहाँ पे रुक गया, मैंने सोचा मैं इसके आगे जाऊंगा और मैं आगे नहीं जा पाया, नहीं मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। बट फिर जब मैंने ऊपर देखा तो भाई अपने ऊपर भी लोग बैठे पड़े, फिर तो फुल स्पीड भागना पड़ेगा मेरे को। इतना सारा टट्टी कलर का रंग लोगों ने दे रखा, बट मैं भागता गया और ये घिरा, ये देखो वो बच गया। और इनको थोड़े कम कलर देने थे, इतना सारा कलर दे रखे मैं घिर ही नहीं सकता हूँ, देखो कितना इजिली पहुंच गया मैं। उसके बाद यहाँ से अपन क्वालिफाई कर गए, बाद में ग्रे था एनिमी भाई 5 सेकंड में इजिली यहाँ तक आ सकता है, लेकिन वो आया ही नहीं। उसको लगा नेक्स्ट वाले राउंड में आ जाएगा, लेकिन ये तो लास्ट था और वो वहीं पे मर गया। कितना बुरा हुआ, इनकी भाषा नहीं समझ आती है। तो अब ये वाले राउंड में करना कैसा पता ही नहीं। अभी तुम देखो मैं ग्रीन पे ही खड़ा हूँ, अब मैं नीचे देख रहा हूँ, अब ये सब ग्रे हो गए और 3 सेकंड दिए एक टाइल्स पे जाने के लिए। अब समझ में नहीं आया करना क्या था, क्योंकि अगर मुझे पता था ग्रीन तो मेरे बाजू में ही था। और ये मोड रैंकिंग में टॉप पे चल रहा है, पर इसके अंदर करना क्या है, अपने सर पे गाने वो ऑटोमेटिक चल ले लिए। तो मतलब करना क्या है भाई, जब ये ऑटोमेटिक चल ले लिए तो बटन काफी सारे दे रखे, मुझे लगता है लीग ऑफ लेजेंड टाइप बनाने का कुछ इन्होंने करा होगा। बाकी थोड़ा उजाला होता तो भाई मजा आ जाता, थंबनेल का क्लिकबेट कर था मैं नेक्स्ट वाले टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो में, पर काफी अंधेरा था इधर और ये काफी वियर्ड लग रहा था। बस भाई गन सर पे लेके भाग के एनिमी ऑटोमेटिक मजे ले। ओ भाई बस इतना ही था आज के वाले वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो ऐसे बहुत मजेदार और बाकी के मोड भी मैंने खेल के रखे जो कि शायद इससे भी बढ़िया हो सकते, तो जाओ उसकी प्लेलिस्ट जाके चेक करना मत भूलना। बाकी थैंक यू सो मच भाई यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। बाय।